तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल का जो 11वां मुकाबला होगा। 11वां मुकाबला मतलब कराची और मुल्तान के बीच में पीएसएल का होने वाला 11th मुकाबला। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिच रिपोर्ट, मैच विनर कौन होगा, टॉस विनर कौन होगा, टॉप परफॉर्मर कौन होगी और साथ ही टीमों का रिकॉर्ड कैसा होगा, मैच कैसा होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं बाय एस्ट्रोलॉजी और बाय न्यूमरोलॉजी। दोनों चीजों को, फॉर्म को, रिकॉर्ड को देखते हुए आज मैच विनर में बताने वाला हूँ। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कल का मैचेस हमने क्वेटा टीम पिक किए थे बट क्वेटा हार गया था। हमेशा मैं जीतता हूँ ऐसा नहीं, लॉस भी होता है और कल हमारा जो क्वेटा टीम पिक किए थे वो नहीं जीत पाई, स्टेट मैच हो गया था, फेवरेट टीम जीत गई थी। बट आज क्या होगा, आज क्या मुल्तान सुल्तान अपने जीत की रथ को कंटिन्यू करेगा या कराची फाइट बैक करेगा, क्योंकि लास्ट मैच दोनों टीम जीत के आ रही है। कराची कमजोर नहीं है, बहुत बढ़िया टीम है, इमाद वसीम की टीम है, वही मोहम्मद रिजवान काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। बट आज होगी बहुत बड़ी टक्कर और बुधवार को आपको एक पलटवार देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेडिक्शन मिलती रहे तो टोनी भाई से कॉन्टैक्ट करिए। टोनी भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। जाके फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिनका नंबर भी दिया हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए भाई, दिन की बात करता हूँ, बुधवार दिन है, ठीक है, 22 फरवरी बुधवार दिन, और दो टीमें हैं मुल्तान सुल्तान और कराची। जी हाँ, मुल्तान का स्वामी सूर्य पॉजिटिव पॉइंट जाएगा मुल्तान की टीम को, क्योंकि सूर्य और बुध बहुत बढ़िया मित्र है। नेक्स्ट कराची की बात करते हैं तो इनका स्वामी बुध है, तो बुध और बुध दोनों को जाएगा पॉजिटिव पॉइंट। अब चलिए कप्तान की तरफ चलते हैं, तो कप्तान मोहम्मद रिजवान अगेन सूर्य स्वामी पॉजिटिव पॉइंट और इमाद वसीम शुक्र स्वामी पॉजिटिव पॉइंट, मतलब मैच काफी बढ़िया होगा और दोनों टीमें जो रहेगी फेवरेट आएगी। और ऐसा नहीं कि मुल्तान वन साइड मैच जीतेगी, बट फिर भी मैच काफी अच्छा होगा। अब चलिए बात करते हैं टॉस विनर की, तो आपको इस मुकाबले में मुल्तान की टीम टॉस विन करती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ, मुल्तान माइट विन द टॉस ऑफ दिस मैच। चलिए बात करते हैं लक्की नंबर की, तो आज का लक्की नंबर हो गया 4। और देखिए, इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप चाहते इसी मैच में जैकपॉट एंट्री पाना, एंट्री कब करें, बुक सेट कब करें, लॉस कट कब करें, ड्रीम 11 टीम कैसे बनाएं, ये सारी चीज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, वो भी फ्री में। कोई पेड मैच नहीं लेता हूँ, पूरा फ्री मैच देता हूँ, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा प्राइवेट चैनल है, पब्लिक नहीं है, तो एक बार ज्वाइन कर लोगे तो लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए टेलीग्राम की लिंक मेरे दी है प्राइवेट चैनल की, फटाफट जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों मुल्तान की पिच की, बहुत बढ़िया पिच है, चेस भी होता है, डिफेंड भी होता है, बट आज हम जाएंगे डिफेंड के साथ नहीं, चेस के साथ। जी हाँ, आज के मैचेस में बैटिंग सेकंड टीम आज जीत सकती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों मैच विनर की, मैच विनर। अब देखिए, आज थोड़ा समय मेरे पास कम है, इसलिए आपको डायरेक्ट मैच विनर देता हूँ और ड्रीम इलेवन टीम आपको, टॉप परफॉर्मर आपको मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले को यदि बात किया जाए तो मुल्तान सुल्तान की टीम अपना नाम कर सकती है। जी हाँ, मुल्तान की टीम इस मुकाबले को जीत करके टूर्नामेंट में जीत का रथ कंटिन्यू करने वाली है। टॉप परफॉर्मर मोहम्मद रिजवान अगेन फिर से आपको बैटिंग करते हुए काफी बढ़िया फॉर्म में भी है और काफी बढ़िया बैटिंग आज करने वाले हैं बुधवार को। जी हाँ दोस्तों, इसके पश्चात अगर मान लीजिए आप सेकंड को पूछते हो तो सेकंड जो खिलाड़ी रहेगा वो रहेगा मेरा एम लेटर का, ठीक है, एम लेटर वाले खिलाड़ी और के लेटर वाले खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एम लेटर और के लेटर, ये दोनों अक्षर बहुत बढ़िया इस परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो प्लेयर कौन से है वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।